एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले भिवंडी इलाके से, जहां ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान झंडा फहराते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। भिवंडी इलाके में ईद मिलाद उन नबी के शुभ अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी रज्जा एकेडमी की तरफ से भिवंडी शहर में ईद मिलाद उन नबी 19वां वार्षिक जुलूस कोटर गेट से बड़ी धूमधाम से निकाला गया। जुलूस की शुरुआत पवित्र कुरान की तिलावत के साथ हुई। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। जुलूस में शामिल झंडे को 25 फुट लोहे के पाइप के जरिए लहराया जा रहा था। जुलूस जब पिरानी पाड़ा इलाके में पहुंचा तो लगभग 25 फीट ऊंचाई पर मौजूद बिजली के तार से झंडा टकराया गया। आपको बता दें कि बिजली की तार में 21,000 वोल्टेज का करंट दौड़ रहा था, जिसकी चपेट में आने से युवक बुरी तरह से झुलस गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक युवक की पहचान अशफाक शेख के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 21 साल की थी। इस हादसे के बाद त्योहार का जश्न मातम में बदल गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद शांति नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शंकर इंदलकर अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से घटनास्थल की जांच पड़ताल की। वहीं प्रत्यक्ष दर्शकों ने बताया कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने युवक को झंडा लेकर तार के नीचे से गुजरने से मना किया था, लेकिन इस बात की अनदेखी की गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यहाँ पे मेडिकल के पास खड़ा था, मास्टर मेडिकल करके है। मैंने लोगों को देखा, उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उनको समझाया कि इधर देखो हाई टेंशन वायर है, यहाँ से मत लेके जाओ और आगे थोड़ा लेके जाओ। उन लोग ने ध्यान दिया नहीं और ऊपर उन लोगों का टच हुआ, जिसमें से चार पांच बंदे थे, चार लोग को थोड़ा थोड़ा करंट मारा, बाकी जो मेन पकड़ के बैठा था उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। सर ये बाहर अभी लोग जुलूस लेके जा रहे थे, तो हमने बोला कि इमामबाड़ा के सामने हाई अलर्ट है, ऊपर वायर गया है, मना कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे। बहुत से लोग मान रहे, तो एक आदमी नहीं माना, वो खड़े हो गए। वो अब उनका पावर खींच लिया, चार आदमी थे, तीनों आदमी नीचे गिर गए, एक आदमी जगह पे डेड हो गया।